बारिश फिर बनी मुसीबत, महाराष्ट्र में पेड़ गिरने से दो लोगों की मौत, गुजरात में इमारत ढही, तीन लोग फंसे। आज मुंबई में हुई जमकर बारिश, गोरेगांव और मराठ में आफत बनकर बरस रही है बारिश, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के लिए अलर्ट हुआ जारी। पटना में रात में हो रही थी भारी बारिश, मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया अलर्ट। पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए मेट्रो से किया सफर, दिल्ली वाले मोदी को देख चौंके। 2017 से पहले सरकारी जमीनों पर रहता था माफियाओं का कब्जा, अतीक के कब्जे वाले जमीन पर सीएम योगी की खरी खरी। पंचायत चुनाव की हिंसा में सुलगा बंगाल, 22 दिनों में 12 लोगों की गई जान, मरने वालों में 6 टीएमसी नेता। पीएम मोदी बोले हर तरफ भारत की ही चर्चा, हमारे युवाओं की बढ़ रही है डिमांड। दिल्ली में शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी, अब बिना रोक टोक मेट्रो में ले जा सकेंगे अल्कोहल की 2 बोतलें। सीएम योगी ने सौंपी 76 फ्लैट्स की चाबियां, गैंगस्टर अतीक अहमद से जब्त जमीन पर बने हैं फ्लैट्स। छत्तीसगढ़ एमपी और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लगाया जोर, शाह नड्डा समेत तमाम नेता लगातार कर रहे हैं दौरा। राजस्थान में ओवैसी को नहीं मिली रैली की इजाजत, 2 जुलाई को जनसभा में भरने वाले थे ओंकार। 9 सालों से महंगाई की आग में झुलस रहे लोग, मंत्री परोस रहे जनता की थाली में जोर, पीएम मोदी पर बरसे खड़गे। सीएम बिहार में नीतीश पर जमकर गर्जा, अमित शाह कहा पाला बदलने वालों पर विश्वास किया जा सकता है क्या। हिंसा से नहीं निकलेगा कोई हल, सिर्फ शांति ही समाधान, मणिपुर दौरे पर पीड़ितों से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी। मणिपुर हिंसा के बीच सीएम बीरेन दे सकते हैं इस्तीफा, राज्यपाल से मांगा मिलने का समय, कार्यकर्ता मनाने में है जुटे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने साफ किया रुख, बताया संसद में समर्थन करेगी या विरोध। आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, 3 जुलाई को पार्टी मुख्यालय पर अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे सीएम केजरीवाल। 10 दिनों के भीतर फिर जलाऊंगा, बकरी ईद पर मस्जिद के सामने कुरान जलाने वाला शख्स बोला। मुंबई लोकल में छेड़खानी, चलते ट्रेन में पकड़ा महिला का हाथ, चिल्लाई तो कूद गया। मणिपुर में सीएम आवास के बाहर जुटी वीरेंद्र सिंह के समर्थकों की भारी भीड़, इस्तीफा न देने की कर रहे मांग। बकरीद पर मस्जिद के सामने कुरान जलाने के खिलाफ एकजुट हुई मुस्लिम दुनिया। मोदी को हराने भ्रष्टाचारी मिल रहे हैं साथ, उदयपुर में विपक्षी एकजुटता पर बरसे शौक, कन्हैया लाल पर गहलोत से सवाल। पंजाब में खालिस्तानी नारे लिखने वाले गिरोह का भांडाफोड़, आतंकी गुरपंत पन्नू के साथी गिरफ्तार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर पर ठोका 50 लाख का जुर्माना, केंद्र के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की खारिज।